हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आप इफ्तार जो है अपनी रेडी हो चुकी है भाई, हमारे बैठे हुए हैं इफ्तार पे। हम लोग बैठे हुए हैं, इफ्तार आपको दिखाते हैं आज का। तो आज हमारा 8वां रोज़ा है और आज के बाद हम इफ्तारी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने जितना बनाना था बना लिया। ये साथ में थे, ये जाने वाले हैं कल। तो हम तरावी ख़त्म हो चुकी है हम लोगों की, आज ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कल से हम बाहर में ही इफ्तार करेंगे, इसलिए घर आ नहीं पाएंगे। तो लास्ट इफ्तार हमने बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्पेशली आज का इफ्तार बना करके दिखा दूँ। तो बनाने का तो मैंने वीडियो दिखा दिया है, अब हम लोग दस्तरखान पे आ चुके हैं, वो आपको इफ्तार दिखाते हैं नीचे। गाइस, फाइनली फाइनली ये हमारा इफ्तार अब रेडी हो चुका है, आपको हम दिखाते हैं सारा कुछ। ये सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ मैं, आलू का ये जो बनाया है हमने पकौड़ा, ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, बेसन वेसन डाल करके इसको तैयार किया गया है। दूसरा है ये अंडे वाला है, ये अंडे का जो है ये थोड़ा सा इसका मटेरियल निकल गया है, क्योंकि अंडे वाला अच्छे से बन नहीं पाता है मेरे से, तो ये बनाया अंडे का। और दूसरी चीज़ स्पेशल, गोभी का पकौड़ा। आज फाइनली फर्स्ट टाइम मैंने गोभी का पकौड़ा बनाया है, ये भी यूट्यूब पे मैंने देखा है, आप भी देख करके ट्राई कर सकते हो। और ये बनाया मैंने चिप्स है, इसको फ्राई करते हैं तेल में, बस रेडीमेड आता है। आप ये देख सकते हो केला, ये खजूर है, और ये है ये हमारी स्पेशल बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी है, जो इसके अंदर में पैक है विथ रायता। और यहाँ प्लेट है इसकी, ये अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी ठंडा हो जाएगा। बहुत टाइम है भाई, लगभग 20 मिनट और बचा हुआ है इफ्तार का टाइम होने में। तो गाइस, ये सारा कुछ था आज का जो स्पेशल मैंने इस अपने हाथों से बनाया था। तो चलिए ये वीडियो दिखाते हैं आपको कि कैसे मैंने इस सारे चीज़ों को अपने हाथों से बनाया। चलिए बैग लेकर के आप लोगों को चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है। वीडियो तो बना रहे हो क्या? जी जी, तो आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये तो अपना बेसन है ये जी, वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज ये मैं बेसन बना रहा हूँ, बेसन से अच्छा आज बनाऊंगा गोभी का पकौड़ा बनाने जा रहा हूँ। और इधर आकर के दिखा दो नाजरीन को, तमाम लोगों को, ये है हमारा गोभी। इसके अंदर में उबाल रहा हूँ मैं, क्योंकि गोभी जल्दी उबलता नहीं है ना। गोभी है और इसके अंदर में दो अंडा है, इसको उबाल रहे हैं हम। और यहाँ पे हमने बेसन घोल रखा है, इसमें मिर्च विर्च डाल करके इससे हम बनाएंगे पकौड़ा। और ये है, तो मेरे हिसाब से ये जो है अब हो चुका है, काफ़ी देर से मैंने चढ़ा रखा था, अब इसको यहाँ हम करेंगे। और ये वाला हम यहाँ डालेंगे क्योंकि इसमें हम फ्राई करेंगे गोभी को। पहले तो हम आग को कम कर लेते हैं। इफ्तार जो है मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, क्योंकि आज तरावी का आखिरी दिन है, हम लोग फ्री हैं, तो सोचा बना लेते हैं। अच्छा, पकौड़ा वगैरह आपको अपने हाथों से खिला देता हूँ। गोभी का पकौड़ा, टमाटर का ही पकौड़ा बनेगा, टमाटर इससे भी बनाएंगे हम लोग पकौड़ा, टमाटर का पकौड़ा भी बनता है। सब यूट्यूब से मैंने सीखा, यूट्यूब से सारा वीडियो जो उबाल दिया है, थोड़ा सा क्या होता है ना कि फ्राई करने में कच्चा रह जाता है गोभी ना, इसलिए उबाल देते हैं, उबाल देने से सही हो जाता है। गर्म, उसके बाद पकौड़े को डालेंगे इसके अंदर। ये आलू अभी छील रहा हूँ, आलू का ही पकौड़ा बनेगा ना जी। तो ये ऐसे करके आलू का पीसेस बनाएंगे, थोड़ा नजदीक लाइए कैमरा, ऐसे करके जो है ना ये पीस बनाएंगे आलू का हम। अच्छा, पकौड़ा बनाने के लिए थोड़ा पतला पतला काटते हैं, क्योंकि कच्चा आलू है ना तो गलता नहीं जल्दी। यूट्यूब पे मैंने देखा था, घर भी पूछा था, तो बताया गया जब कच्चा रहे ना आलू तो इसे थोड़ा पतला काटा जाए, ताकि इस तरीके से आलू को धुलता है। आलू धुल गया, अब ये तेल हमारा हो चुका है तैयार, ये हमारा पकौड़ा गोभी का। और इससे हम क्या करेंगे, गोभी बेसन लगा के यहाँ डाल देंगे, नज़दीक ला के देखा ये कढ़ाई ऐसे करके इसमें मिला करके अच्छे से बेसन इसको डालेंगे, छोटा सा गोभी। तो इस तरीके से सारा गोभी को जो है इसमें मिलाना है हमें, ये पकौड़ा बनाना है। बस अब गाइस, ये पकौड़ा सारा डल गया है, थोड़ी देर तक इसको हम ऐसे करेंगे इसमें आग में, थोड़ा इसको भी छीलना है, इसको भी
तो गाइस अब थोड़ा एक साइड का हो चुका है ये, तो अब इसे हम पलटेंगे, थोड़ा दूसरे साइड से पकाते हैं इस साइड से एक एक करके। तेल में आवाज़ आ रही है क्योंकि थोड़ा जो है ना चम्मच भीगा गीला था, पानी था इसमें, इसलिए आवाज़ आ रही है। ये हो चुका है तैयार, अब इसे हम निकालेंगे, थोड़ा तेल इस पैसे से जाएंगे और इसको यहाँ निकालेंगे। पेपर नहीं है, पेपर होता ना तो पेपर के ऊपर इसको डालते हैं। अरे बाप रे, आ जा यार, जल्दी आता भी नहीं है, परेशान है, ये चाह रहा तेल में ही रहूँ। ये गोभी का हमारा पकौड़ा जो है इतना तैयार हो गया, फिर अभी अंडे का तैयार करना है, फिर उसके बाद आलू वाला तैयार करना है। कल आपने खाया था, कैसा लगा आपको? गाइज अब हम दुआ कर लेते हैं, इफ्तार की दुआ कहा जाता है कबूल होती है, तो हम दुआ करते हैं फिर इफ्तार करते हैं। तो गाइस अजान हो चुकी है, हम लोगों ने इफ्तार खोल लिया है, खजूर हमने खा लिया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और जो बनाया है हमने उसमें नमक तो हमने चेक किया नहीं था, तो अब खाते हुए चेक करते हैं, बताते हैं आपको कैसा बना है इफ्तार हमारा। पहले तो पानी पीता हूँ मैं। सबसे पहले ये गोभी का जो है ना ये पकौड़ा खाता हूँ मैं, और इसको खा करके देखता हूँ कैसा बना है। माशाल्लाह अच्छा बना है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, भाई खा के देखा काफ़ी अच्छा है बना है, सही लग रहा, बहुत मस्त। चलो वैसे झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी खा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक बना है। अब आप इफ्तार करते हैं, आप लोग भी, आप तो वीडियो अपलोड जब होगा तो आप लोग कुछ और कर रहे होगे तो अपना काम करें। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक।